इनको तो जानते होंगे आप, अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम है इनका। हुजूर, देश के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, आजकल वित्त मंत्रालय भी संभालते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पेट्रोल डीजल में आग लगाने का काम सरकार जो करती है उनके सूत्रधारों में एक ये भी है। लोग महंगाई से मर रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं और देश के पीएम कह रहे हैं मेरे पास कोई जादुई चिराग नहीं, तो किसके पास है जरा ये भी बता दीजिए। सब्जी गर्मी के कारण महंगा हो गया है, खेत में फसल नहीं है, चावल से सब खराब हो गया है, इसी के कारण महंगा हो गया। हाँ, बिक्री पर तो असर पड़ रहा है, वही सब्जियां नहीं मिल रहा तो असर पड़ेगा करेगा। अब डीजल का दाम बढ़ेगा तो भाड़ा महंगा होगा, भाड़ा महंगा होगा तो सब्जी महंगी होगी, दूध महंगा होगा, समझ लीजिए जिंदगी की तेल हो गई। लेकिन इतने से इनका मन नहीं भर रहा, मतलब कोड़ में जितना बढ़ाया है उतना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा और सरकार जख्मों पर तेजाब डालना चाहती है। महंगाई कम करने के नाम पर बार बार ब्याज दरें बढ़ाकर पता नहीं कौन सा चमत्कार करना चाहते हैं। एक तो जिंदगी की गाड़ी चल नहीं रही और रिजर्व बैंक बार बार हमारी जिंदगी को रिजर्व में डाल रहा। जुलाई में हरियाली आई लेकिन ऐसी कि हरी सब्जियों के दाम ने आम जनता की जेब में आग लगा दी। सब्जी का सब दाम तो दुगना तिगना हो गया। पहले जहाँ पूरा 5-5 किलो लेके फ्रिज में आन में रख देता था, अब इतना ज्यादा दाम हो गया, दुगना तिगना, कम लेके काम चला रहा है। प्रधानमंत्री तक कई बार बोल चुके हैं उनका महंगाई पर कोई अख्तियार नहीं। वित्त मंत्री की भाषा यही बताती है कि आप अपनी जेब कूटने के लिए तैयार रहिए। चले थे चौबे जी छब्बे बनने, लेकिन महंगाई की अकड़ देखिए, चौबे जी दुबे बनकर कहां खो गए कुछ पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ खबर भारती।